सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने कल के वचन में देखा होगा और सीखा होगा, समझा भी होगा इस बात को कि जिन जिन प्रभु के लोगों ने वरन किसी भी मनुष्य ने जब जब वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को त्याग कर गलत चुनाव किया या शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चुनाव किया, तो उन्होंने कितने बड़े बड़े फटके खाए, कितने बड़े नुकसान उठाए, कितनों ने अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो दिया और कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को, श्रापों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को, आंसुओं को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए रास्ता खोला। क्यों? क्योंकि गलत चुनाव किया और परमेश्वर के धर्मी में दाहिने हाथ को, रक्षा सुरक्षा के हाथ को हटा दिया, वचन को नहीं चुना, अपनी अभिलाषाओं को चुना, प्रभु को खुश नहीं किया वरन मनुष्य को खुश किया, प्रभु के पास नहीं आए वरन अभिलाषाओं के अनुसार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में चले गए। तो आज प्रभु का आत्मा में बतलाना चाहता है कि जिन जिन प्रभु के लोगों ने बहुत सारे प्रभु के ऐसे अभिषेक थे जिन्होंने प्रभु के वचन का चुनाव किया, तो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए, ये सच्चाई है। देखो इस बात को ध्यान से सुनना, कई सारे उदाहरण हैं तो आपके सामने कुछ उदाहरण रखे जाएंगे, इनको ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा ताकि आज आप जान पाओ कि जब एक विश्वासी, जब एक प्रभु का दास या जन जब प्रभु के वचन के अनुसार सही चुनाव करता है, चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे कोई दोष लगा रहा था, चाहे कोई बुराई कर रहा था, चाहे कोई कमी निकाल रहा था, चाहे कोई घटी थी, चाहे कोई तकलीफ थी, चाहे कोई आंसू थे, उस समय भी अपने फायदे को ना देखकर वरन प्रभु की आज्ञा को देखकर, प्रभु के वचन को देखकर, प्रभु के वचन रूपी आईने से अपने आप को जाँच कर और सही बात का, जो वचन है उसका चुनाव करता है। और जब प्रभु के वचन का चुनाव, प्रभु की आज्ञा का चुनाव, प्रभु का चुनाव जब प्रभु के लोगों ने किया, तो उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को, कितनी बड़ी सामर्थ को, ताकत को, अनुग्रह को, भरपूरी को, चंगाई को, छुटकारों को, अभिषेक को, परमेश्वर की बड़े दया के, चंगाई के, छुटकारे के, रक्षा सुरक्षा के हाथों को देखा। ये सच्चाई है। क्योंकि देखो अगर हम जाने, अगर हम उत्पत्ति में चले, उत्पत्ति से लेकर धीरे धीरे करके अगर हम मलाकी तक आते हैं, मलाकी के बाद भी अगर हम इन बातों को जानते हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। देखो हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे कि एक उदाहरण है हनोक का। जब हनोक ने, जब प्रभु के और भी बहुत सारे अभिषिक्तों ने, प्रभु के जब लोगों ने प्रभु के वचन का चुनाव किया, तो उनकी ज़िंदगी में समस्याएँ तो आई थी, लेकिन वो बनी नहीं रही। समस्याएँ, तकलीफें, बीमारियाँ, कलेश, आंसू, रोग और महामारी, तकलीफें आई तो थी, लेकिन उनको लांग कर चली गई, उनकी ज़िंदगी में बसने नहीं पाई, जगह नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को चुन रखा था और प्रभु के वचन को, प्रभु की आज्ञाओं को अपनी ज़िंदगी में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया। क्योंकि लिखा है ना कि जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनके मुँह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। प्रभु के वचन पर जिन्होंने भरोसा रखा, तो उसके पैर कभी लड़खड़ाने नहीं दिए, प्रभु ने डगमगाने नहीं दिए, उसको कभी गिरने नहीं दिया। अगर गिर भी गया तो प्रभु ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा। तो परमेश्वर जब भी उठाता जब इंसान उठना चाहे। तो कुछ ऐसे परमेश्वर के अभिषेक थे जिसमें से प्रभु के दास हनोक हैं। तो हनोक के समय में बहुत प्रकार के व्यभिचार, बहुत प्रकार का मूर्ति पूजा, बहुत प्रकार के ऐसे ऐसे गलत और गंदे काम होते थे। और उस समय पर कहा जाता है, उत्पत्ति के जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं, तो उस समय पर पृथ्वी पर दानव रहा करते थे। तो मेरे भाई और बहनों, दुनिया भर का पाप था, दुनिया भर का पाप था। और हनोक के सामने बहुत सारी बातें होती थी। हनोक के आत्मा में परमेश्वर बहुत कुछ प्रकट करता था, होने वाली बातें, अंत के दिनों को लेकर बातें, प्रलय को लेकर बातें, और पृथ्वी के नाश करने को लेकर बातें, बहुत सारी बातें प्रभु प्रकट करता था और उनके कारण भी बताता था प्रभु। बहुत कुछ परमेश्वर ने हनोक को प्रकट किया। सोचो, अब एक तरफ हनोक है और दूसरी तरफ वो दूसरे लोग हैं जिनके बारे में हनोक जानता है। क्या जानता है? हनोक देखता है कि वो जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं चुना, वरन पाप को चुन लिया, व्यभिचार को चुन लिया, अभिलाषाओं को चुन लिया, गलत और गंदे कामों को चुन लिया, और सब प्रकार की ऐसी अभिलाषा, बुरी अभिलाषाओं को चुन लिया, जो उनको नाना प्रकार की परीक्षा में फंसाती है, जो उनको कुछ पल की संतुष्टि और आनंद देती है, लेकिन उन्होंने अनंत काल के आनंद को छोड़ दिया, जीवन को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इस संसार की शारीरिक अभिलाषाओं पर मन लगाया, एक दूसरे को खुश करना चाहा और परमेश्वर की आज्ञा को पकड़कर नहीं रखा, वरन परमेश्वर को त्याग दिया और गलत चुनाव किया जो पाप से भरा हुआ था, दूसरों को प्रसन्न किया, संसार से प्रेम किया, अपने अभिलाषाओं से प्रेम किया। तो उन सब चीजों को हनोक परमेश्वर के दास देखते थे। देखो चाहकर भी अब हनोक है ना, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को मारा। जैसे पौलुस कहते हैं ना, मैंने अपनी अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं मुझ में जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है, मैं मुझ में मर गया, अब मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, मैं पाप के लिए अपने जीवन को नहीं दूंगा। तो यही चीज़ हनोक के अंदर भी थी
कैसे हनोक ने पाप के साथ हाथ नहीं मिलाया, वो गलत चीज़ों को देख उन्होंने गलत चीज़ों को देखा, लोग उनको भरमाने की कोशिश कर सकते थे, उनके मन में आ सकता था कि मैं भी पाप करूं, मैं भी व्यभिचार करूं, मैं भी गलत और गंदे काम करूं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊं, क्यों मैं प्रभु के साथ साथ चलूं। प्रभु के साथ चलते तो दुख भी आता है, आंसू भी होते हैं, तकलीफें भी होती हैं, कांटे भी होते हैं, और सहना भी पड़ता है, चुप भी लगाना पड़ता है, अभिलाषाओं को भी मारना पड़ता है। हनोक सोच सकते थे, लेकिन फिर भी हनोक ने इन बातों को इग्नोर किया, इन चीज़ों पर भरोसा ना रख के वरन प्रभु के वचन ही को पकड़ के रखा। उन्होंने अभिलाषाओं को नहीं चुना, प्रभु के वचन को चुना। उन्होंने इन सब गलत बुराई के पाप के कामों को इग्नोर किया, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, और जब उन्होंने प्रभु के वचन को चुना तो प्रभु के साथ साथ चलते रहे। अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, क्योंकि मेरे भाई और बहनों अगर परमेश्वर के साथ साथ चलना है ना, तो अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक मनुष्य दो नाव में पैर रखता है तो वो डूबता है, ज़्यादा आगे तक वो एक साथ नहीं चल सकते हैं, एक पैर इधर है तो एक पैर उधर। तो इसी प्रकार से हनोक ने जब परमेश्वर को चुना तो उनके बारे में कहा गया कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, ये नहीं कि परमेश्वर के भी साथ चलते थे, नहीं ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर ने उनको उठा लिया। सोचो, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का सही चुनाव किया, चाहे तकलीफें आई, चाहे समस्याएं आई, चाहे लोगों की सुननी पड़ी, चाहे दोस्त सुनने पड़े, चाहे बुराइयां सुननी पड़ी, चाहे कमियां सुननी पड़ी, चाहे लोगों की उंगलियां उठाना सुनना पड़ा, लेकिन हनोक ने परमेश्वर के वचन को नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। लोगों की, मनुष्यों की भरमाने में हनोक नहीं आए, चाहे अपने सताए, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे अपने दिल दुखाए, हनोक ने सिर्फ प्रभु को पकड़ के रखा। और जब पकड़ के रखा तो प्रभु ने हनोक को देखा, हनोक देख तू मेरी दृष्टि में धर्मी है, अब तू मेरे साथ चल। तूने मेरे वचन को नहीं छोड़ा, तू मेरे साथ दुखों में भी गया, गहराई में भी गया, आंसुओं में भी गया, परेशानियों में भी गया, तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। लोगों ने तुझे भरमाया, लोगों ने तुझे अच्छा दिखाया, लेकिन तूने उन अच्छे अभिलाषाओं में हाथ नहीं मिलाया, तब भी हनोक तूने मेरा चुनाव किया, तू मेरे लिए चुप लगा कर सहता रहा। हनोक अब तू मेरे साथ चल, अब हम स्वर्ग में एक साथ संगति करेंगे, अब हम संगति करेंगे। परमेश्वर हनोक के साथ संगति करते थे, हनोक परमेश्वर के साथ संगति करते थे, जैसे आदम और हवा, तो यही भूख और प्यास, यही एक अभिलाषा हनोक के अंदर थी कि परमेश्वर के साथ मैं दोबारा से संगति कैसे कर सकूं। जो काम आदम की वाटिका में संभव था, वो काम आदम की वाटिका के बाहर नामुमकिन था, लेकिन हनोक ने इस बात को प्रकट कर दिया कि जो रिश्ता आदम और हवा का परमेश्वर यहोवा के साथ था, वो रिश्ता आदम की वाटिका के बाहर भी बन सकता है। इस पाप से भरे हुए संसार और इस धरती पर भी हनोक ने परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाकर दिखाया, जो शुरुआत में निष्पाप इस दुनिया में था, जब ये दुनिया निष्पाप थी, जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, तो उस समय परमेश्वर यहोवा आदम की वाटिका में आदम और हवा के पास आया करते थे। तो यही मोमेंट की अभिलाषी थे हनोक कि परमेश्वर के साथ मैं संगति करना चाहता हूँ, प्रभु के साथ साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु से बात करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो परमेश्वर के साथ इतना भूख और प्यास दिखाई तो परमेश्वर ने उनको जीवित उठा लिया। ये बहुत बड़ी गवाही है। और भी कई सारे प्रभु के ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के वचन का चुनाव किया। देखो, तकलीफें आई, आंसू आए, परेशानियां आई, समस्याएं आई, बीमारियां आई, रोग भी हुए, लेकिन वो जीवन में हमेशा बने नहीं रहे। इस बात को मत भूलना, आंसू हमेशा नहीं रहे, तकलीफें हमेशा नहीं रही, शत्रुओं ने जय नहीं पाई हमारे ऊपर, उनके ऊपर जय नहीं पाई जिन्होंने प्रभु के वचन का चुनाव किया। देखो, मृत्यु तक ने यीशु पर जय नहीं पाई। यीशु मसीह ने, अगर हम कुरंतियों में पढ़ते हैं, अगर हम तिस्लोनिकियों में पढ़ते हैं, तो लिखा है कुरंतियों में पढ़ते तो जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय को ना, यीशु, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को प्रकट किया कि मुर्दों को मैं जिलाने वाले की मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ्य मेरे अंदर है। दूसरों के सामने मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाया और खुद भी जिंदा होकर दिखाया। तो यीशु मसीह ने भी इस बात को प्रकट किया, हमेशा वचन का सही चुनाव किया। शैतान ने यीशु को भरमाने की कोशिश करी कि इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, मेरे को दंडवत कर, अपने आप को यहाँ से गिरा ले, सारा राजपाट तुझे दूंगा। तब भी यीशु मसीह ने शैतान की एक भी बात पर ध्यान नहीं लगाया। हालांकि वो सारी बातें जो शैतान ने यीशु को बोली थी, वो सारी बातें यीशु मसीह की उस समय जरूरत थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जरूरतों को ना देखकर वरन प्रभु के वचन को इज्जत दी। जिस प्रकार एलिया ने, एलिया के टाइम पर, एलिया भूखा और प्यासा था, एलिया चाहता
तो मेरे भाई और बहनों कुछ भी गलत काम करके या किसी से भी रोटी सब्जी मांगकर अपना पेट भर सकता था, लेकिन नहीं, एलिया चुप बैठा रहा। जब प्रभु ने देखा मेरा दास एलिया भूखा है और पूरे 3.5 साल का लगभग 3 साल के लगभग का अकाल पड़ा है, तो मैं अपने दास को एलिया को क्यों ना खिलाऊं। एलिया ने मेरे विरुद्ध में पाप नहीं किया, चाहे भले ही मैंने संसार में अकाल कर दिया, लेकिन फिर भी एलिया ने मेरे विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। एलिया मुझसे नहीं लड़ा, एलिया ने मेरी बुराई नहीं करी। एलिया ने यह नहीं कहा कि तूने मुझे रोटी सब्जी क्यों नहीं दी, तूने मुझे मीट रोटी क्यों नहीं दी। एलिया ने यह नहीं कहा कि प्रभु मैं तो तुझे जानता हूं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, फिर भी तू मुझे भूखा रखेगा। नहीं, एलिया चुप रहा और परमेश्वर ने एलिया की नम्रता और दीनता और चुप रहकर सहने को देखा। तो परमेश्वर ने उस एलिया के सही चुनाव को देखा कि एलिया के साथ जब मैंने ऐसा बर्ताव किया या लोगों ने जब गलत बर्ताव किया या जब लोग एलिया की जान के प्यासे हुए, तब भी एलिया ने मेरे विरुद्ध में मेरी गवाही नहीं दी, मेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं हुआ, तब भी एलिया चुप रहकर बस मेरे साथ साथ चलता रहा। तो परमेश्वर ने एलिया को कौवे के द्वारा मीट रोटी से तृप्त किया, फिर उसके बाद विधवा के द्वारा प्रभु ने खिलाया, उसके बाद एलिया को स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्गीय रोटी स्वर्गीय पानी पिलाया, फिर उसके बाद प्रभु ने कहा एलिया तू मेरी दृष्टि में खरा है। प्रभु ने कहा एलिया तूने मुझे प्रसन्न किया है। प्रभु ने कहा एलिया तूने वो किया जिस बात से मैं प्रसन्न हुआ, तूने वो किया, तूने इसराइलियों को जो मुझसे दूर हो चुके थे तू वापस लेकर आया। प्रभु ने कहा कि एलिया अब तू मेरे साथ चल, अब तू यहाँ नहीं रहेगा, अब तू अपनी जगह पर एलिशा को खड़ा कर, एलिया अब तू मेरे साथ चल। प्रभु ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि एलिया ने इतनी सारे विरोध होने के बाद भी, इतनी बुराइयां होने के बाद भी, एलिया के तो जान के प्यासे थे लोग, जान के प्यासे थे बाल के पुजारी, ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कि जहां एलिया मिले वहीं उसको मार दिया जाए, मेरे भाई और बहनों। लेकिन फिर भी एलिया, प्रभु का दास, भविष्यद्वक्ता, मेरे भाई और बहनों, अपनी जान को हथेली पर रखकर घूमते थे, लेकिन उन्होंने पाप के साथ, बाल के पुजारियों के साथ, दूसरे देवी देवताओं के साथ हाथ नहीं मिलाया। इसीलिए एलिया को जीवित परमेश्वर ने जीवित ही स्वर्ग में, स्वर्गलोक में, अग्नि में तलवार, अग्नि में स्वर्गदूतों के द्वारा, अग्नि में बवंडर, अग्नि में घोड़ों के द्वारा धरती पर से जिंदा आकाश में उठा लिया। कैसे? क्योंकि एलिया ने सही चुनाव किया। आज हमें देखो, अगर आज हमें परमेश्वर हमें आशीष देना रोक दे, या फिर आज परमेश्वर हमें चंगा करना छोड़ दे, हमें बरकत देना छोड़ दे, हमारी प्रार्थना को सुनना छोड़ देना, तो आज हम प्रभु को सुनाने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, लड़ जाते हैं, प्रभु को छोड़ने की धमकियां देते हैं। लेकिन एलिया भूखा भी रहा, मेरे भाई और बहनों, एलिया भूखा भी रहा, एलिया प्यासा भी रहा। अगर हम पढ़े ना, लिखा है परमेश्वर ने कौवे का, देखो कौवा भी, कौवे ने रोटी लाना बंद कर दिया था, लिखा है परमेश्वर ने नाले का जल भी सुखा दिया। सोचो एलिया को प्यास नहीं लगी होगी, एलिया को प्यास लगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर चेक कर रहा था, क्या तू सच में अभी भी खरा रहेगा? अगर मैं तुझे ऊपर लेकर जाऊं, क्या तू खरा रहेगा? परमेश्वर ने टेस्ट किया एलिया को, एलिया तब भी नहीं लड़ा। एलिया ने देखा सच में मेरा दास कितना नम्र और दीन है, चाहे प्यासा मर जाए लेकिन ये मेरे से लड़ेगा नहीं। तो प्रभु को दया आई, प्रभु ने कहा एलिया चल जा, तेरे खाने का इंतजाम मैंने कर दिया, मैंने तुझे परख कर खरा निकाला, मैंने तुझे परखा और तू खरा निकला, जा एलिया, मुझे पता है कि तेरे को भूख लगे, मुझे पता है कि तेरे को प्यास लगे, तेरे पास अब तक कौवा नहीं आया, अब तक तेरे पास रोटी मीट नहीं आया, अब तक तुझे पानी नहीं मिला, मुझे पता है कि मैंने उस जल को सुखा दिया और तू मुझसे लड़ा नहीं, मुझे पता है कि तूने मुझसे बहस नहीं की, एलिया अब जा, तेरे लिए मैंने खाने पीने का इंतजाम किया है। मेरे भाई और बहनों, एलिया ने सही वचन का चुनाव किया, एलिया ने गलत अंगीकार, गलत रास्ते को नहीं चुना, व्यभिचार को नहीं चुना, और किसी प्रकार के गलत ऐसे लालच को नहीं चुना। एलिया ने बाल के पुजारियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, मूर्ति पूजा के साथ हाथ नहीं मिलाया, एलिया ने पाप के साथ हाथ नहीं मिलाया, वरन सिर्फ वचन के साथ हाथ मिलाया, वचन को इज्जत दी, चाहे अपना नुकसान हो रहा था, चाहे कोई जान लेने पर था, चाहे कोई तकलीफ दे रहा था, चाहे कोई आंसू दे रहा था, चाहे कोई कितना भी हमारे साथ गलत बर्ताव करना चाह रहा था, चाहे हो रहा था, लेकिन तब भी परमेश्वर एलिया के साथ रहा। कोई भी एलिया का बाल भी बांका नहीं कर पाया। लगभग 850 के लगभग सामने लोग खड़े थे और अकेला एलिया, एक तरफ अकेला एलिया, दूसरी तरफ 850 या 950 के आसपास बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग एलिया को अकेले देख रहे थे, और उस समय एलिया के साथ यहोवा था, लेकिन एलिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और सबकी बोलतियां बंद हो गई, और एलिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को गिरा दिया, और सबके घुटने परमेश्वर ने टिकाए, और उन लोगों ने कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, जब एलिया ने सही चुनाव किया, तो प्रभु ने एलिया की जिंदगी में चमत्कार किया और एलिया को जिंदा उठा लिया। कब? जब एलिया ने सही चुनाव किया,
क्योंकि वचन में लिखा है, देख जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रखी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। आज हम कई बार क्या करते हैं, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हमें धन की जरूरत है, तो हम कोई भी दूसरा तरीका अपनाते हैं धन को लाने का, किसी को धोखा देने का, किसी से चुराने का, किसी के पैसा मारने का, किसी को बर्बाद करने का, किसी को फंसाने का, या किसी से घूसखोरी करने का, कि कोई ना कोई 1, 2, 4 का तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हमें इन गलती का एहसास होता है तो हमें तुरंत माफ़ी मांग कर आगे बढ़ना, दोबारा से ऐसी गलती ना हो पाए, इस बात के लिए मैं पूरा इस बात के लिए निर्णय लेने की मतलब पूरी कोशिश करना है कि प्रभु चाहे कितना भी सामने वाला भरमाए नहीं लेना, चाहे मेरा नुकसान हो रहा था, चाहे बॉस जॉब से निकाल रहा था, चाहे कैसी भी कगार थी, प्रभु मुझे पता है एंड मौके पर तू मुझे बचा लेगा। मैंने देख प्रभु तेरे वचन को इज्जत दी है, पाप के साथ हाथ नहीं मिलाया। आप उस समय बोल सकोगे प्रभु से कि प्रभु देख मैंने पाप के साथ हाथ नहीं मिलाया, मैंने व्यभिचार के साथ हाथ नहीं मिलाया, मैंने गलत और गंदे कामों के साथ हाथ नहीं मिलाया, प्रभु मैंने तेरे वचन को इज्जत दी है, मुझे पता है कि तू मेरा सर ऊंचा करेगा, और सच में प्रभु आपका सर ऊंचा करेगा। लेकिन धीरज धरना, धीरज धरना। कई बार ऐसा होता है, लिखा है कि जब तू जल में होकर जाए तो पानी तुझे ना डुबा सकेगा, जब तू आग में होकर चले तो आँच तुझे ना लगेगी। मतलब आग और पानी में होकर चलना होगा, लेकिन आँच ना लगेगी, पानी डुबा ना सकेगा। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां हो रही, सही काम करने के बाद भी चुप रहना और चलते जाना, नम्र रहना और माफ करते जाना, दो शब्दों को अपनी जिंदगी में हमेशा रखना, तुरंत माफ करना और तुरंत माफी मांगना, तब देखना आपकी जिंदगी का ग्राफ कितना ऊंचा उठता जाएगा, आप कितना सामर्थ्य रूप से बढ़ोगे, कितना आपको खुदा बाप उठाएगा, आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, खुदा बाप आपको उठाएगा, आपको आशीष देगा, बरकत देगा, रास्ते खोलेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, भला चंगा रखेगा, चीज सेहत देगा, सब प्रकार की शैतान की चालों से, लड़ाई दंगों से, मौत एक्सीडेंट से, कमी घटी बीमारी परेशानी से आपको बचा कर रखेगा, आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा, जो आपने खोया उसका कई गुना बढ़ा कर देगा। ये वचन कहता है, प्रभु ने हमें दिया है, हमारी जिंदगी में प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं। जब जब हमने प्रभु के वचन को इज्जत देने की कोशिश करी है तो सताव भी आया है, लेकिन वो सताव हमेशा बना नहीं रहा। प्रभु ने हमारा सर भी ऊंचा किया, इज्जत मान सम्मान भी बढ़ाया, सदा के घमंड का कारण भी ठहराया। जिनके द्वारा सताव हुआ उनके घुटने भी प्रभु ने टिकाए और उन लोगों ने प्रार्थनाएं भी करवाई। समय लगा लेकिन प्रभु ने किया, कब? जब सही चुनाव किया। यही तो चीज होती है, यही तो चीज है, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज प्रभु का वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु की बातें रखी, लेकिन मैं फिर भी तुझसे कहता हूं कि मेरे बच्चे तू जीवन ही को चुन। जब भले ही शुरुआत में थोड़ा दुख है, तकलीफ है, समस्या है, अगर तू गलत होने के बाद लात घूंसे खा रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर तू सही होने के बाद लात घूंसे खा रहा है, दुख सह रहा है, चुप लगाना, अगर दुख सह रही है, दोष सह रही है, बुराइयां सह रही है और तू उस समय चुप लगा रही है, तो ये परमेश्वर को भाता है। और लिखा है जो दिनों रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उनका न्याय तुरंत चुकाता है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यीशु मसीह ने भी शैतान के साथ पाप के कामों के लेकर किसी भी गलत प्रकार से, यीशु मसीह ने प्रभु के वचन को धोखा नहीं दिया, शैतान के साथ हाथ नहीं मिलाया, शैतान के साथ लालच नहीं किया, शैतान की रोटी की वाली बातों में नहीं आया। यीशु मसीह चाहे भूखे रह लिए, लेकिन यीशु मसीह ने वचन को इज्जत दी। यीशु जानता था अभी चाहे मैं भूखा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे हिम्मत देगा, बल देगा, ताकत देगा, नुकरे देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, मुझे चलाएगा, मेरी रग रग में सामर्थ्य देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से मैं जीवित रहूंगा, रोटी ही से नहीं। शैतान तू मुझे भरमा मत, मैं रोटी को नहीं चुनूंगा, मैं तेरी बातों को नहीं चुनूंगा, मुझे पता है रोटी मेरी जरूरत है, लेकिन मैं गलत तरीके से नहीं, मैं अपने वचन के, मैं परमेश्वर का वचन के इज्जत, वचन को इज्जत देते हुए, प्रभु की आज्ञा के अनुसार करते हुए, प्रभु के आगे मैं विश्वास योग्य रहते हुए, नम्र और दीन रहते हुए, प्रभु से मांगने के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा के लिए पाऊंगा और मैं आशीषित भी होऊंगा। लेकिन पाप के साथ हाथ मिलाकर नहीं पाऊंगा, पाप के साथ हाथ मिलाकर नहीं कुछ लूंगा, पाप के साथ हाथ मिलाकर, बुराई के साथ हाथ मिलाकर मुझे अपना फायदा नहीं करना, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। वो धन उड़ने वाला कोहरा है, जो उसको खोजता है वो मृत्यु ही को खोजते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है। बहुत सारे आज परमेश्वर के अभिषेक ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में आंसू थे, कलेश थे, तकलीफें थी, बीमारियां थी, समस्याएं थी, टेंशन थी, चिंताएं थी, परेशानियां थी। जब उन्होंने प्रभु के वचन का चुनाव किया तो उनकी जिंदगी में सताव तो आया, और बड़ा सताव, लेकिन वो बना नहीं रहा। एक समय ऐसा आया खुदा ने उनको धन में बढ़ाया, एक समय ऐसा आया खुदा ने उनको चंगाई में बढ़ाया, आशीषों में बढ़ाया, बरकतों में बढ़ाया, सामर्थ्य में बढ़ाया, अभिषेक में बढ़ाया। प्रभु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया, उनके द्वारा सेवकाइयां शुरू हो गई, उनके द्वारा चर्चेस अपॉइंट किए गए, उनके द्वारा चेले तैयार किए गए, उनके द्वारा अनाथ आश्रम बनवाए गए, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए गए, उनके द्वारा बड़े बड़े काम किए गए, उनके द्वारा अनाथ और विधवाओं के घर बसाए गए। मेरे भाई और बहनों, कब हुआ? जब उन्होंने वचन को इज्जत दी। समय लगा लेकिन प्रभु ने काम किया, क्योंकि लिखा है ना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो बहुत फल फलता है। वो बीज कौन है? वो आप और हम हैं। हमें भूमि में पिसकर, नरम भूमि में, उपजाऊ भूमि में पिसकर मरना है। जब हम मरेंगे
मतलब अपनी अभिलाषाओं के लिए मरेंगे, पाप के लिए मर जाएंगे ना, तो प्रभु हमारी जिंदगी में अपनी आत्मा के पानी को, अपनी आत्मा की वर्षा को हमारे पर उड़ेलेगा। और सच में जो हमारे अंदर से कौपले निकलने लगेंगे, हमारे अंदर से जड़ें निकलेंगी, हमारे अंदर से तना, मजबूत तना निकलेगा, जब हमें एक हरा भरा पेड़ बनाएगा, तो प्रभु बहुत के लिए आशीष और उद्धार का, चंगाई का, छुटकारा का, ब्लेसिंग्स का, पेट भरने का, छाया का, शांति का, चैन, विश्राम, आराम का कारण बनाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, इसका मतलब ये है कि बहुत फल लाना, और बहुत फल लाने के लिए मरना ज़रूरी है। मरने के लिए प्रभु के वचन का चुनाव करना और अभिलाषाओं को हमेशा नो करना ज़रूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है कि जब भी हम प्रभु के वचन का चुनाव करते हैं, चाहे सामने दिल दुखा रहे थे लोग, चाहे अपने सता रहे थे, चाहे अपने छोड़कर जा रहे थे, दूसरों के डर से हमें गलत चुनाव नहीं करना है, मनुष्य को देखकर गलत चुनाव नहीं करना है, दूसरों की सुनकर गलत चुनाव नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा परमेश्वर का अभिषेक कह रहा है, चाहे कोई कितना भी घर का मेंबर कह रहा है, चाहे कितना भी आस पड़ोसी अपना खून का रिश्तेदार है, चाहे कोई कितना भी करीबी दोस्त यार अपने मिले सगे संबंधी कह रहे हैं कि ये काम कर ले, गलत काम कर ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जब वो वचन के अनुसार नहीं बता रहे, वरन गलत तरीके से बता रहे, पाप के रास्ते के द्वारा बता रहे हैं, तो कभी जिंदगी में ऐसे चुनाव को मत लेना। चाहे भले ही नुकसान हो रहा था, चाहे भले ही कितना भी दुख हो रहा था, लेकिन आपको हमेशा, हम सभी को अपने परमेश्वर के वचन का चुनाव करना है। जो चीज़ें आज हमारे कब्जे में नहीं है, वो आने वाले समय में होंगी। जो आशीष आज हमारे पास नहीं है, वो आने वाले समय में होगी। जो बरकत नहीं है, वो आने वाले समय में होंगी। जो छुटकारे नहीं, जो चंगाई नहीं, जो बरकत नहीं, जो आशीष नहीं है, जो सामर्थ्य और अभिषेक नहीं, जो भरपूरी नहीं देखी आपने अभी तक, जो प्रार्थना के उत्तर नहीं देखे, जब आप सही चुनाव करोगे, तब आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में नजर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ खुद अब आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि लिखा है जो उसे प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पर मनुष्य की आज्ञाओं को नहीं, वरन परमेश्वर की आज्ञाओं को। मनुष्य को नहीं प्रसन्न करना, वरन परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और जब परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो प्रभु का आदर होगा, जब प्रभु का आदर होगा तो प्रभु की सेवा होगी, जब प्रभु की सेवा होगी तो पिता हमारा आदर करेगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। निराश मत होना, हताश मत होना, चाहे कुछ भी खोया है प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करके देगा। चाहे कुछ भी चीज़ है, चाहे आपको लग रहा है नामुमकिन है, लेकिन लिखा है प्रभु आज आपसे कहता है कि क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? नहीं है। यहोवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। वो आपको क्रिएट करके देगा, वो आपको बना कर देगा। जो आपको चाहिए सही समय पर वो आपकी ज़िंदगी में मेहमर आएगा। चुप रहना, माफ़ करना और माफ़ी मांगना और धीरज धरना, प्रभु के न्याय और प्रभु के उत्तर की बाट जोते रहना, इंतज़ार करना, आपका प्रतिफल, आपका अच्छा और बड़ा प्रतिफल सिर्फ यहोवा है। और एक बात हमेशा याद रखना, सही चुनाव लेने के द्वारा शुरुआत में दुख हो सकता है, लेकिन बाद में हमेशा का आनंद, हमेशा की आशीष और हमेशा की छुटकारा, चंगाई, बरकत, ब्लेसिंग्स, भरपूरी, उन्नति, तरक्की है। शुरुआत में चाहे दुख हो रहा था, लेकिन वो दुख हमेशा नहीं रहेगा। और जब इंसान गलत चुनाव करता है तो शैतान भी कई बार उसको मीठी गोली देता है, उसकी जरूरत की चीज़ें पकड़ाता है। अगर उस समय शैतान ने मीठी गोली दे दी तो शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका असर बाद में पता चलता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, हमेशा प्रभु के वचन के अनुसार सही चुनाव करना है। प्रभु कभी अपने वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं करता। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।